जैसे आप किस फिल्म की आप यहाँ पर डबिंग करने आज यहाँ पर स्टूडियो में आए हुए हैं? ये मुंबई का स्टूडियो है। हाँ, ये एक फिल्म है जनहित में जारी। कुछ कटाक्ष है सरकार पे, अच्छा। जो व्यवस्था है कहीं कहीं त्रुटियां रह गई हैं, अच्छा, तो इस फिल्म के माध्यम से हम उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या गलतियां चल रही है आजकल। नाम बड़ा यूनिक है प्रकाश जी, नाम जो है बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग सा है, बड़ा अलबेला सा है। जनहित में जारी, हम अक्सर सरकारी बोर्ड्स पर या फिर कहीं कहीं नोटिसेस पर ये पढ़ते थे, जनहित में जारी, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट एक्चुअली। यस, हाँ, तो आपने कहा ना इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यस तो ये जनहित में जारी बहुत सारी चीजें होती है जी, जो सरकार अपने माध्यम से जारी कर देती है, अखबार के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, जी लेकिन एक्चुअल में जनहित में जारी हो नहीं पाती ठीक से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं सरकार के पास जो कागज में है, दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ कि ये सरकारी नीति है और इससे इस तरह की चीजें, मतलब आप फायदा उठा सकते हैं, जैसे सुकन्या वगैरह 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 योजना है दुनिया भर की योजनाएं जो सरकार है की। सरकार की, वो जनहित में जारी तो होती है लेकिन जनहित में पहुंच नहीं पाती, मतलब समाज के लोगों पास तक नहीं पहुंच ठीक पाती, से नहीं पहुंच पाती। जमीनी हकीकत यह है। तो सरकारी योजनाओं पर यह एक कटाक्ष है जो फिल्म के रूप में आ रही है। कटाक्ष नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना था कि सरकार जो योजनाएं बनाती है वो बहुत अच्छी योजना होती है, बहुत कारगर है, वो जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही ये चीजें, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सरकारी योजनाओं को हम योजनाओं का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं सरकार, कोई भी सरकार हो, मुझे किसी पर्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, योजनाएं बहुत अच्छी होती है, वो पब्लिक के हित में होता है, लेकिन वो सबकी जानकारी में पहुंच गई है वो चीज, वो बात, ये सरकार को देखना चाहिए, ये हम कहने की जमीन कोशिश पर कर वो रहे योजनाएं किस तरह से एक्टिवेट हो पा रही है या नहीं, वो देखना जरूरी है। एक्टिवेट होना तो बात की बात है, पब्लिक तक जानकारी ही नहीं अच्छा, पहुंच लोगों पा को रही है। पता चलना। जी, अभी जैसे किसी को नहीं पता है कि वो जंगल खरीद सकता है भारत सरकार के थ्रू, जी बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो नदियां भी चाहे तो तालाब खरीद सकता है सरकारी पैसों से, बाकायदा लीगल सॉरी वे में। सरकारी योजना के तहत जी कि आप तालाब खरीद सकते हैं मछली पालन के लिए। मैं डिटेल तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो भी योजना है सरकार द्वारा जारी किया जाता है वो पब्लिक तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते, जो तो जनहित में जारी एक कानून है जो हम लोग ने इस फिल्म के माध्यम से जनहित में जारी किया है। एक पोस्टर आपका देखा मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, एक हाँ, फिल्म पोस्टर जो देखा जिसमें आप लोटा लेकर नजर आ रहे हैं, मुझे बड़ा यूनिक पोस्टर, बड़ा बढ़िया पोस्टर लगा, मैं उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू। लोटा स्वच्छता अभियान जो है, ये सबको पता है कि भारत सरकार का एक अभियान है स्वच्छता अभियान, जी तो वैसे कई सारे अभियान हैं इसके बारे में सबको पता है, जी बाकी कई सारे अभियान ऐसे हैं जो पब्लिक तक ठीक से नहीं पहुंच पाया है, तो स्वच्छता अभियान में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो थोड़ा सा अब जब नियम कानून आते हैं तो उसमें संशोधन की भी जरूरत पड़ती है, जी तो ये हम इस फिल्म के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हाँ, अब ये जनहित में जारी हुआ, अच्छा अच्छे से हुआ, जी। ठीक से नहीं था पहले। अच्छा सर, ये फिल्म से जुड़े जो बाकी आपके साथी कलाकार हैं, मेकर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। मेकर्स तो बहुत अच्छे हैं, आनंद शुक्ला जी भागलपुर में, आयुष द्विवेदी डायरेक्टर, और राइटर संदीप द्विवेदी जी हैं, उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया है और आयुष जी ने बहुत बढ़िया से इसको बनाने की कोशिश करी, डायरेक्ट उन्होंने किया है, और जो मेन प्रोड्यूसर है आनंद शुक्ला जी, उनका ये कहना था कि आप अच्छी फिल्म बनाइए, कैसे बनती है मुझे नहीं मालूम, आप लोग हैं आप लोग बनाइए, हमें कहाँ खर्च करना है हम कर रहे हैं, जी कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो ऐसे प्रोड्यूसर्स की जरूरत है इंडस्ट्री को जो अच्छी फिल्म बनाने के लिए कह रहे हैं जी और जो सुविधाएं हमें चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं,
तो ये उनका एक तरह से कह रहे थे वो कि ये प्रैक्टिस मैच है हमारा तो प्रैक्टिस मैच भी अगर जीतते हैं तब मनोबल बढ़ेगा और अगले मैच के लिए हम जीतने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि प्रैक्टिस मैच भले ही हो लेकिन प्रैक्टिस मैच में अगर हम जीतते हैं तो उसका असर पड़ता है जी आगे के करियर पर। तो हमारे लिए प्रैक्टिस मैच नहीं है, ये कंप्लीट मैच है। अच्छा प्रकाश जी, आपने इसे शूट किया भागलपुर में जाके, बाकायदा वहाँ पे शूटिंग हुई पूरी टीम के साथ, कितना प्यार दुलार वहाँ की जनता का, लोगों का आपको मिला, कैसा था एक्सपीरियंस शूट करने का ओवरऑल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले जैसा बिहार अब नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ 95 में जब मैं बिहार छोड़ के मुंबई आया था जी, तब के बिहार में और अब के बिहार में बहुत फर्क है। पहले बहुत डिस्टर्बेंस थी शूटिंग को लेकर, अभी आप शूटिंग करिए और पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, पब्लिक आपको देखना चाहती है, आपसे ऑटोग्राफ लेती है, आपसे फोटोग्राफ लेती है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से एक प्रशासनिक लेवल पे जो था ना कि यहाँ शूटिंग चल रही है, कैसे चल रही है, भीड़ क्यों लगी है, तो ये सब इशू अब नहीं है क्योंकि आप बाकायदा परमिशन ले के शूटिंग करते हैं जी।